हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कोकाश किड्स 2.3। लेट्स स्पीक। अब यहाँ पे लेट्स ये क्या है? ये एक्चुअली टू वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है। पहला वर्ड है LET, लेट, और दूसरा वर्ड है US, अस। तो US अस में से यू मिसिंग है, यू को निकाल के ये अपोस्ट्रॉफी देख रहे हो आप ऊपर, वो डाला गया। इसका ये मतलब होता है कि हमको लेट अस ये दो वर्ड को एक वर्ड की तरह पढ़ना है, लेट्स। ओके, सो हाउ यू विल रीड? लेट्स स्पीक। चलो बात करते हैं हम। यहाँ पे क्या है? ए, इट सेज लुक एट द पिक्चर्स एंड से 2 to 3 लाइंस अबाउट देम। नीचे कम्युनिटी हेल्पर्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है और उनके बारे में 3 to 4 लाइंस बोलना है, ठीक है? इसलिए इसका नाम है लेट्स स्पीक। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? डॉक्टर है। आप इसको ठीक से देखना क्या क्या हो रहा है इस पिक्चर में। ये जो डॉक्टर है वो बच्चे को चेक कर रही है कि उसको क्या हुआ है, चेक करेगी, फिर उसके बाद उसको मेडिसिन देकर ठीक कर देगी, राइट? इसके बाद वी हैव हियर अ पुलिस वुमन। पुलिस वुमन क्या करती है? वो ट्रैफिक जहाँ पर सिग्नल्स होते हैं, चौराहा होता है, वहां पे वो खड़े होते हैं और गाड़ियों को गाइड करते हैं, गाड़ियों को बताते हैं कि कब जाना है, कहाँ से जाना है, स्टॉप होना है, या कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो उनको सॉल्व करते हैं और दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं। जैसे कोई ओल्ड, कोई थोड़े बूढ़े इंसान जा रहे हैं तो उनको हेल्प करती है, बच्चों को हेल्प करती है, बहुत अच्छे से हमको हमारी सेवा करती है, इसलिए हम लोग उनको कम्युनिटी हेल्पर कहते हैं। ये है कंडक्टर। कंडक्टर क्या करते हैं? हमें टिकट देते हैं, हमसे पैसे लेते हैं और हमको टिकट देते हैं, हमारी सेवा करते हैं, राइट, या हमको हेल्प करते हैं। इस तरह से उनका काम बहुत ज्यादा मेहनत का होता है, दिन भर खड़े होकर वो काम करते हैं, ठीक है? तो ये इज अ कंडक्टर। ये कौन है? फार्मर। फार्मर, फार्मर को मराठी में क्या बोलते हैं? शेतकरी। और हिंदी में? हिंदी में किसान। ओके, नेक्स्ट कौन है? सोल्जर। इसको हम कैसे रीड करेंगे? इसका स्पेलिंग है SOLDIER, बट हमको रीडिंग की तरह इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण कैसा होता है? सोल्जर, ठीक है? बोलो सोल्जर, वेरी गुड। और ये जो है वो हमको हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे सामने नहीं, हमारे देश के बॉर्डर्स पे जब कोई अटैक करता है, या हमेशा बॉर्डर पे वो लोग बने रहते हैं, देखते हैं कि कोई हमारे देश के बॉर्डर के अंदर नहीं आ जाए और हमको परेशान ना करे। और जहाँ पे भी नेचुरल कैलामिटीज होती है या एकदम से कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाता है तो वो लोग फटाक से बुलाया जाता है, क्योंकि वो लोग वेल ट्रेंड होते हैं हमको कोई भी परेशानी से निकालने के लिए। जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया है या कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो कभी कभी इनको बुलाया जाता है इनकी हेल्प लेने के लिए, राइट? ये है सोल्जर। नेक्स्ट इज अ शेफ। शेफ कौन होता है? आपकी मम्मा घर पे खाना बनाती है ना, वैसे ये शेफ जो होते हैं वो होटल्स में या किचन्स में, जो बड़े बड़े किचन्स खाना हमको डिलीवर करते हैं वहाँ पर बनाते हैं खाना, ठीक है? होते हैं शेफ होते हैं। उनकी जनरल जो ड्रेस होती है, ड्रेस का कलर होता है वाइट, और ये स्पेशल जो उनका हैट होता है, या आप उसको कैप बोल सकते हो, वो पहनते हैं हमेशा। ये इनके बाल खाने में नहीं गिरते, राइट? तो ये एक स्टाइल भी है और एक प्रिकॉशन भी है जिससे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। हाइजीन का मतलब क्या होता है? साफ सुथरापन, साफ सफाई। तो ये है हमारे सारे कम्युनिटी हेल्पर्स। तो हम क्या करेंगे अभी, इसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या हम बोल सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू से इन इंग्लिश, राइट? अरे कोलू, वेलकम कोलू, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप कहाँ चले गए। आप तो मेरे हर क्लास में आते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहाँ गए थे? मैं यही था, कहीं नहीं गया था, यहीं से पढ़ाई करता हूँ। ओके, वेरी गुड कोलू। अच्छा, आप क्या करने वाले हो? मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है बच्चों को। बच्चों सुनो ध्यान से, जब अभी टीचर आपको सब एक्सप्लेन करेगी, समझा देगी, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? जब टीचर रीडिंग करेगी आप चुप रहना
और जब हमारा चांस आएगा ना तो मैं भी बोलूंगा और आप भी बोलना, जरूर बोलना। ओके, खूब मजे करेंगे, मैं यहीं पे हूँ। ओके बाय। सो ए सेज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड से 2-3 लाइंस अबाउट देम। ठीक है, जो ऊपर क्वेश्चन दिया था जिस बारे में हमको बात करनी है। सो फर्स्ट हम लेते हैं डॉक्टर। ओके, अ डॉक्टर has a very important place in our society. इसका मतलब है डॉक्टर की बहुत ज्यादा important place होती है हमारी society में। हम सब उनको बहुत respect करते हैं, डॉक्टर को हम भगवान की तरह मानते हैं। ठीक है, people go to a doctor when they are sick. जो लोग बीमार होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। He gives them medicine and cure them with their treatment. Now क्या होता है, वो उनको अच्छे से चेक करने के बाद उनको मेडिसिन देते हैं एंड क्योर्स, क्योर्स का मतलब उनको ठीक कर देते हैं, उनकी बीमारी जो होती है उनको ठीक करना, मतलब क्योर करना। ठीक है, और फिर उनको वो अपने ट्रीटमेंट से उनको ठीक कर देते हैं। तो लेट्स डू द रीडिंग पार्ट। यस, अ डॉक्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर सोसाइटी। A doctor has a very important place in our society. People go to a doctor when they are sick. People go to a doctor when they are sick. He gives them medicines and cures them with his treatment. He gives them medicines and cures them with the, his treatment. Next, number two, it's about a police woman. Okay, a police woman is a disciplined person. Police woman, तो आपने फोटो देखा था। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जो एकदम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है, जो हर चीज समय पे करती है, अच्छे से करती है, वो डिसिप्लिन होती है। ओके, शी ऑल्सो हेल्प्स पीपल टू क्रॉस द रोड। वो लोगों को, वो गाड़ियों को ही सिर्फ हेल्प नहीं करती है कि वो कहाँ से जाए, कैसे जाए और कब स्टॉप हो जाए और कब स्टार्ट हो जाए, वो हम लोगों को भी हेल्प करती है रोड क्रॉस करने में। ठीक है, कभी कभी हेल्प करती है जब उसको लगता है ना कि कोई फंस गया है, कोई ओल्ड है, कोई बच्चा है, तो उनको हेल्प करती है। हर बार नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका दूसरा काम होता है, राइट। इफ एनी वन ब्रेक्स द ट्रैफिक रूल्स शी मेक्स देम पे अ फाइन। अगर कोई ट्रैफिक रूल, कोई गाड़ी जो है सिग्नल अगर बंद भी है गाड़ियों के लिए और वो आगे चला जा रहा है, मतलब वो ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा है। ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना कि व्हीकल्स के लिए जब रेड हो गया है अगर लाइट, तो व्हीकल्स को रुकना है, गाड़ियों को रुकना है। जब वो ग्रीन होता है तब गाड़ियां जा सकती है, राइट। आपको तो पता ही होगा कि गाड़ियों के लिए अलग सिग्नल होता है और जो रोड क्रॉस करने वाले हम जैसे इंसान होते हैं उनके लिए अलग सिग्नल होता है, वो आपको पता करना है। अच्छा, तो जो भी रूल्स ब्रेक करते हैं ट्रैफिक की, वो उनसे फाइन लेती है। उनको मार तो नहीं सकती ना, तो उनसे वो फाइन लेती है। जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया होता है वो फाइन उनको लेना होता है, चालान कटता है। ठीक है, सो लेट्स रीड। A police woman is a disciplined person. A police woman is a disciplined person. She also helps people to cross the road. She also helps people to cross the road. If anyone breaks the traffic rules, she makes them pay a fine. If anyone breaks the traffic rules, she makes them pay a fine. So let's talk about a conductor. Conductor gives us tickets in a bus. Conductor हम लोगों को टिकट देते हैं बस में, right? He rings a bell when the bus has to start or stop. वो बेल रिंग करके ड्राइवर को इंडिकेशन देते हैं कि कब बस स्टार्ट करनी है या स्टॉप करनी है, राइट। उसके बाद ही ऑल्सो हेल्प्स पीपल इफ दे हैव एनी लगेज विद देम। अब लगेज का मतलब क्या था, कुछ सामान जो लेके जाते हैं हम लोग, हैवी हैवी सामान, ज्यादा बड़े बड़े सामान, उसको लगेज कहेंगे। ठीक है, तो वो हमें सिर्फ टिकट नहीं देते, वो हमें हेल्प भी करते हैं। जब किसी को मैनेज नहीं हो रहा, ज्यादा ही सामान है, उनको उठाना नहीं हो रहा, तो हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है,
So let's read. A conductor gives us tickets in a bus. A conductor gives us ticket in a bus. He rings a bell when the bus has to start or stop. He rings a bell when the bus has to start or stop. He also helps people if they have any luggage with them. He also helps people if they have any luggage with them. तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फार्मर के बारे में. फार्मर शेतकरी या किसान. फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. फील्ड मतलब खेत या खेती. फार्मर कहाँ पे काम करते हैं? फील्ड में काम करते हैं. ही ग्रोस क्रॉप्स. वो हमारे लिए फूड ग्रेन उगाते हैं, दाल चावल, ये बहुत सारी चीजें जो मम्मा बनाकर देती है हमको. वो कौन करते हैं, कौन उगाते हैं? फार्मर ही हमको उगा कर देते हैं. ही प्लाउस द फील्ड विथ हेल्प ऑफ बुलक्स और अ ट्रैक्टर. आपने कभी खेत में देखा होगा, शेती बगीचा से, कि जो फार्मर्स होते हैं वो या तो ट्रैक्टर से या तो बैल और एक हल होता है, हल उसके साथ वो लोग. दूर से आप देखोगे तो आपको ऐसे बड़ी बड़ी लाइंस दिखेगी फील्ड पर, मतलब वो एक काइंड ऑफ खड्डा किया जाता है जिसकी वजह से, जिसमें वो लोग सीड्स डालते हैं, पानी डालते हैं, तो धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा निकलता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है. तो प्लाउ मतलब होता है जो हम लोग क्रॉप्स उगाने से पहले जो खेती में काम होता है उसको प्लाउ कहते हैं. ठीक है, बुलक के साथ में, हल के साथ में या ट्रैक्टर के साथ में वो करते हैं. तो कैसे बोलेंगे, ही प्लाउस द फील्ड विथ हेल्प ऑफ बुलक्स और अ ट्रैक्टर. लेट्स रीड नाउ. अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड. ही ग्रोस क्रॉप्स. ही ग्रोस क्रॉप्स. ही प्लाउस द फील्ड विथ हेल्प ऑफ बुलक्स और अ ट्रैक्टर. ही प्लाउस द फील्ड विथ हेल्प ऑफ बुलक्स और अ ट्रैक्टर. So next we will talk about soldiers. A soldier defends the country during war time. जब war होता है, कोई युद्ध हो जाता है, तो soldiers जो है हमें defend करते हैं. Defend मतलब हमें बचाते हैं दुश्मनों से, हमारे country को बचाते हैं, मतलब हमको बचाते हैं, right? He also helps people when there are floods or earthquake. जब एकदम से अचानक से कोई flood, कोई बाढ़ आ जाती है या अर्थक्वेक आ जाता है, तो सोल्जर्स को भी बुलाया जाता है क्योंकि वो लोग वेल ट्रेन्ड होते हैं. वो लोगों को पता होता है कि लोगों को कैसे बचाना है और रैपिड एक्शन में वो लोग हमको बचाते हैं, इसलिए उनको भी बुलाया जाता है ऐसे समय में. ठीक है, सो लेट्स रीड नाउ. अ सोल्जर डिफेंड्स द कंट्री ड्यूरिंग वॉर टाइम. अ सोल्जर डिफेंड्स द कंट्री ड्यूरिंग वॉर टाइम. He also helps people when there are floods or earthquakes. He also helps people when there are floods or earthquakes. So let's talk about a chef. A chef is a person who is in charge of the kitchen in hotels and restaurants. जो होटल और रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पे किचन में खाना बनता है, वो शेफ वहाँ पे हर चीज का ध्यान रखते हैं. वो लोग खाना बनाते हैं और सबको गाइड भी करते हैं, तो वहाँ का वो मेन पर्सन होते हैं. इंचार्ज मतलब मेन पर्सन. ही कुक्स वेरियस फूड आइटम्स. वो बहुत सारे वेरियस मतलब अलग अलग टाइप के, बहुत सारे अलग अलग टाइप के खाना बनाते हैं. He is always dressed in white and wears a special cap while cooking. वो हमेशा सफेद कपड़े पहनते हैं, सफेद उनकी ड्रेस होती है और उनका कैप भी व्हाइट कलर का होता है, स्पेशल कैप होता है उनका. सो लेट्स रीड चिल्ड्रन. A chef is a person who is in charge of the kitchen. A chef is a person who is in charge of the kitchen. In hotels and restaurants. In hotels and restaurants. He cooks various food items. He cooks various food items. He is always dressed in white and wears a special cap while cooking. He is always dressed in white and wears a special cap while cooking. Very good, Kolu, and very good, children. जिन्होंने भी बोला वेरी गुड, और जिन लोगों ने नहीं बोला वो नेक्स्ट टाइम जरूर बोलेंगे. ओके,
अगर मेरे आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर अभी के अभी सब्सक्राइब करो, ओके? इससे मैं जो भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.